यह मोटो का एज 50 फ्यूजन जिसे हमने चंदा जोड़ के सिर्फ आप लोगों के लिए मंगाया है ताकि हम इसका पर्दाफाश कर सके और बता सके इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में। इससे पहले हमने मोटो के और भी बहुत सारे फोन यूज किए हैं, उसके बॉक्स थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे लेकिन इसकी पैकेजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक कितनी बढ़िया वाली फ्रेग्रेंस और खुशबू मिलेगी जैसे हम आपको वीडियो में सुंघा नहीं सकते। बॉक्स में सबसे पहले तो मिल जाता है आपको फोन, 8 वॉट का एडेप्टर मिल जाता है, टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल मिल जाती है और एक बढ़िया क्वालिटी वाला केस मिल जाता है। अब बात करते हैं फोन के बारे में। भाई फोन इन हैंड काफी अच्छा फील होता है। हमने इसका मार्शमेलो ब्लू कलर मंगा रखा है और ये इसके वीगन लेदर डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और इस 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है और इसका वेट है सिर्फ 175 ग्राम। इस प्राइस सेगमेंट में आपको और कोई भी ब्रांड इतना ज्यादा लाइट वेटेड फोन नहीं देने वाली। बाकी इसमें आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है और राइट साइड आते हैं तो वॉल्यूम रॉकर्स बटन है, पावर बटन है और एक और माइक मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है और सिम कार्ड स्लॉट। बाकी आप इसमें डुअल नैनो सिम यूज कर सकते हैं यानी एसडी कार्ड सपोर्टेड नहीं है। और अब आते हैं इसकी डिस्प्ले पे। इसमें आपको 6.78 इंच की पीओलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और एचबीएम मोड मिल जाएगा 1200 नीट्स का। बाकी इसमें आपको एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर एचडी में वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो काफी अच्छा काम करता है और IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है यानी कि आप अपने फोन को पानी में भी गिरा सकते हो। इसमें आपको स्मार्ट वाटर टच डिस्प्ले मिल जाती है यानी कि आप बारिश की बूंदों में भी अगर फोन को यूज करेंगे तो बिना किसी रुकावट के आप अपने फोन को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और अब फोन के UI की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ये हेलो UI के साथ आता है जो Android 14 पर बेस्ड है। ये UI फुल्ली कस्टमाइज है यानी कि आप इसमें Android 14 की तरह ही बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके कंट्रोल सेंटर में जाके आप दो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि क्लासिक स्टाइल यानी आप नॉर्मल एंड्रॉयड फोन की तरह दिखाना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मॉडर्न स्टाइल में यानी कि आप स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का फील कराना चाहते हैं, डिफरेंट फील कराना चाहते हैं तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, खैर हमेशा ऑन तो नहीं रहती लेकिन फिर भी आप क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हैं, बाकी UI का कलर चेंज कर सकते हैं, ऐप आइकन की शेप चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और बाकी कुछ जादुई फीचर भी मिल जाते हैं जैसे और बाकी हमने इसे जब पहली बार बूट किया तो हमें इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप देखने को नहीं मिला, सिर्फ एक फेसबुक था और गूगल के कुछ ऐप्स थे और मोटो के कुछ ऐप्स थे जिसमें फेसबुक को भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी इसमें मोटो के काफी सारे ऐप मिल जाएंगे जिनमें से कुछ मोटो के ऐप्स हमें काफी ज्यादा अच्छे लगे, जैसे कि इसमें एक स्मार्ट कनेक्ट ऐप मिल जाता है जिसे आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसे एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, इसका क्लिपबोर्ड को यूज कर सकते हो, फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट करके। और इसमें मोटो सिक्योर ऐप मिल जाता है जो हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इससे आप अपनी फाइल्स वगैरह लॉक कर सकते हो, अपने ऐप वगैरह को लॉक कर सकते हो, ना सिर्फ लॉक कर सकते हो उनकी आइकन को चेंज वगैरह करके किसी का भी ध्यान वगैरह हटा सकते हो। और इसमें आपको 3 साल के OS अपडेट मिल जाते हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिल जाते हैं जो काफी बढ़िया है। और अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस पे आते हैं। इसमें आपको 15 5G बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, वाईफाई 6 मिल जाता है और NFC भी मिल जाता है। और बाकी इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 58 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ और इसमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X की रैम मिल जाएगी और दो वेरिएंट आते हैं 8GB 128GB और 12GB 256GB। इसका स्कोर रन करके देखा हमने तो इसका स्कोर निकल के आया 49,000 जो थोड़ा बहुत कम है लेकिन आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाता है जो गेमिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा डिसेंट है, हमने गेमिंग भी की हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। COD वगैरह इसमें आप 60 FPS तक खेल सकते हैं और BGMI वगैरह में भी आप इसमें अल्ट्रा HDR में गेमिंग वगैरह स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी हमने इसमें जेंसन इंपैक्ट वगैरह भी खेल के देखा जिसमें हमें 30 FPS तक की सेटिंग मिली जो कि काफी बढ़िया है। और अब आते हैं सबके फेवरेट टॉपिक यानी कैमरे के ऊपर। ये कैमरे के मामले में डिसेंट फोन है। ये पहला फोन है जो सोनी के लीटिया 700C सेंसर के साथ आता है जो कि 50 MP का मेन कैमरा है और बाकी इसमें 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है मैक्रो विजन के साथ जिससे आप मैक्रो फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। और फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बाकी इसके सैंपल इंप्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इसके अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो वगैरह खींचे
जो इमेज प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो काफी बढ़िया है। ग्रास वगैरह, पेड़ वगैरह एकदम हरे भरे नजर आ रहे थे। बाकी 1x से और 2x से भी फोटो वगैरह क्लिक करने के बाद में कोई डिफरेंट पता नहीं पड़ता, क्योंकि सेम क्वालिटी के इमेज आपको मिलते हैं। बाकी इसके मोड्स वगैरह चेंज किया बिना इसके वाइड एंगल से हमने मैक्रो फोटोज वगैरह खींचे, जो काफी ज्यादा कमाल लग रहे थे। इसके अलावा भी इसके मैक्रो फोटोज वगैरह हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और हमने इसके पोर्ट्रेट से भी फोटो वगैरह क्लिक किए, आप देख सकते हो हमारे पुष्पेंद्र सिंह एकदम बढ़िया लग रहे हैं, उनके बाल वगैरह और एजेस वगैरह भी एकदम शार्प हैं। बाकी 24mm पे भी फोटो क्लिक किया, 30mm पे भी क्लिक किया और 50mm पे भी क्लिक किया, फोटो प्रोसेसिंग वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया है। और बाकी इसका सेल्फी कैमरा भी काफी ज्यादा बढ़िया है। जब हमने इसका सेल्फी कैमरा ट्राई किया तो हमें लगा यार मेकअप वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बिना मेकअप के भी काफी बढ़िया फोटो आते हैं। और अब ना वीडियो की बात कर लेते हैं, इसमें आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट में भी 4K वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब रील्स वगैरह एकदम मस्त बनेगी। एक और हमें इसमें सबसे बवाल फीचर लगा, हॉरिजॉन लॉक, यानी आप अपने फोन को एक पोजीशन एक एंगल में लॉक कर दो, फिर चाहे उसे कितना भी मर्जी चाहे घुमा लो, आपका वीडियो एकदम स्टेबल आने वाला है। और बाकी इसमें OIS भी मिल जाता है जो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप डिफरेंट देख सकते हैं। और ना इसमें काफी सारे मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्पॉट कलर, आप एक किसी कलर को पिक कर लो फिर बाकी सारे कलर आपको नहीं दिखेंगे उस कलर के अलावा। और नाइट मोड भी मिल जाता है, नाइट में हमने फोटो वगैरह क्लिक किए काफी बढ़िया आते। और इसमें डुअल कैप्चर मोड भी मिल जाता है, यानी आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से एक साथ वीडियो या फोटोज वगैरह शूट कर सकते हैं। और अब आते हैं इसके प्राइस पर, जैसे कि इसके दो वेरिएंट आते हैं, इसका बेस वेरिएंट है 8GB 128GB जिसका प्राइस है 23,999। ICICI क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के बाद 2,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि ये फोन आपको पड़ेगा 20,999 का। और इसका दूसरा वेरिएंट 12/256GB 24,999 का है, जो डिस्काउंट के बाद 22,999 का पड़ेगा। और हाँ, इसमें आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं ओवरऑल फोन के बारे में, 20 से 25,000 रुपए की रेंज में आने वाले फोन में ये फोन हमें काफी ज्यादा डिसेंट और बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फोन लगा। चाहे आप परफॉर्मेंस बेस्ड एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं या फिर एक अच्छी डिजाइन वाला स्लिम सा बढ़िया सा फोन लेना चाहते हैं जिसकी डिस्प्ले वगैरह काफी बढ़िया हो, तो आप हमारे हिसाब से इस फोन को ले सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आने वाला हमें ये फोन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और बाकी इस रिव्यू के लिए एक लाइक बनता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय।